नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज टीवी और मैं हूं दीपक कुमार तिवारी। प्रस्तुत है पब्लिक न्यूज टीवी पर बिहार की प्रमुख खबरें। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज सड़क मार्ग से बिहार के आरा एवं सारण जिले के बाढ़ से प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री कोइलबर और बबूरा का जायजा लेते हुए छपरा पहुंच गए। छपरा के डोरीगंज मौजमपुर होते हुए सोनपुर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का उन्होंने जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने सारण जिले के मुसेरपुर चौक पर बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए चलाए जाने वाले सामुदायिक किचन का भी निरीक्षण किया। सामुदायिक किचन में भोजन कर रहे लोगों से उन्होंने बातचीत की और वहां की व्यवस्था के बारे में विस्तार से जानकारी ली। कम्युनिटी किचन के निकट चलाए जा रहे कोविड टीकाकरण केंद्र का भी मुख्यमंत्री ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि यहां पर रह रहे सभी लोगों को कोरोना जांच अवश्य कराएं। जो भी संक्रमित पाए जाते हैं उनके लिए अलग से व्यवस्था अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। जिनका टीकाकरण नहीं हुआ है उनका टीकाकरण भी कराने का निर्देश मुख्यमंत्री ने दिया। जीरो टॉलरेंस नीति को लेकर जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर डीएम ने आज रवाना किया। मोतिहारी में डीएम ने कहा कि उर्वरक की कालाबाजारी रोकने के लिए किसान लाइसेंसी दुकानों से निर्धारित दरों पर उर्वरक खरीदें। मोतिहारी के जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक जिले भर में उर्वरक की कालाबाजारी रोकने के लिए काफी गंभीर नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कृषकों को जागरूक करने के उद्देश्य से समाहरणालय परिसर में आज जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। आज यहाँ पे जो उर्वरक संबंध में बिहार सरकार कृषि विभाग के द्वारा जो रथ था उसको यहाँ से उसका शुभारंभ किया जा रहा है। बेसिकली कृषि उर्वरक क्षेत्र में एक क्रांति जो है यहाँ पे कृषि विभाग के द्वारा बिहार सरकार के द्वारा की जा रही है। यूरिया 45 किलो का जो बैग है 266.50 रुपये में यहाँ पे किसानों को उपलब्ध हो रहा है और इतने सस्ते दर पे, और जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस है जो पीओएस मशीन पे जो किसान हमारे जाते हैं और वहाँ से ये प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा भी 50 किलो का जो बैग है उसमें अलग अलग जो है खाद्य होते हैं, म्यूरेट ऑफ पोटैश है, SSP है, इसके बाद अमोनियम सल्फेट है, इत्यादियों का दर भी यहाँ पे निर्धारित किया गया है। और सबसे खास बात यह है कि रियल टाइम जो है ग्रीवांस रिड्रेसल, इसमें जो राज्य सरकार के द्वारा एक नंबर जो है दूरभाष नंबर प्रसारित किया जा रहा है, कोई भी किसान अगर कोई शिकायत होगी तो उसको अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है 0612-22-33-555। ये जो कृषि विभाग का बिहार सरकार का नंबर है उस पर करेगा तो निश्चित उसका समाधान यहाँ पे किया जा रहा है। सुपौल में 40 वर्षीय अधेड़ व्यक्ति की संदिग्ध स्थिति में मौत की घटना हुई है, जिसके बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। परिजनों ने इस मामले को लेकर हत्या की आशंका जताई है। पुलिस इस मामले की शिकायत मिलने के बाद आवश्यक कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जांच की प्रक्रिया यहां पुलिस शुरू की है। आवश्यक बिंदुओं पर पड़ताल शुरू की गई है। संदेहास्पद स्थिति में मौत है। देवन चौधरी नाम के व्यक्ति हैं। उम्र लगभग 40 से 42 वर्ष होगा। शरीर के किसी पार्ट में कोई एक्सटर्नल इंजरी नहीं दिख रहा है। हम लोग पोस्टमार्टम करा रहे हैं। पोस्टमार्टम कराया गया है। जैसे पोस्टमार्टम का रिजल्ट आता है मृत्यु का कारण पता चलता है उसके अनुसार हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। मधेपुरा से खबर आ रही है, जहां SP ने अंतरराज्यीय वाहन चोर गिरोह के गैंग का भंडाफोड़ कर दिया है। मधेपुरा के SP योगेंद्र कुमार ने आज एक्शन दिखाई, अंतरराज्यीय वाहन चोर गिरोह के सरगना का भंडाफोड़ किया। यह आपराधिक गिरोह मधेपुरा और आसपास के इलाके में पिकअप वैन को या तो लूट लिया करते थे या चोरी करके इसका उपयोग विभिन्न तरह के आपराधिक घटनाओं में किया करते थे। मधेपुरा की पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई की। 6 सदस्यों को आज गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 3 पिकअप वैन, 3 मोटरसाइकिल और 1 देसी कट्टा और 2 गोली भी बरामद किए गए हैं। मधेपुरा के SP योगेंद्र कुमार ने बताया कि इन मामले में कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तार किए गए अपराधियों से पूछताछ की जा रही है। गिरोह के सदस्यों के बारे में भी डिटेल्स खंगाला जा रहा है। अपराध के लिए पिकअप चोरी करने वाले एक अंतर जिला गैंग की गिरफ्तारी हुई है। कुल 6 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। इनके पास से 3 लूटी गई पिकअप बरामद हुई है, जिसमें से 1 पिकअप बराही क्षेत्र में पिछले महीने इन्होंने लूटी थी। 1 पिकअप चोरी का केस सौर बाजार पतरघाट में दर्ज है और 1 पिकअप सुपौल जिला के किशनपुर थाना में दर्ज है। कुल मिला के 2 पिकअप इसमें सुपौल की मिली हैं और 1 हमारे मधेपुरा जिला की मिली है। इसके अलावा इन अपराधियों के पास से तलाशी में 1 देसी कट्टा मिला है, 3 जिंदा कारतूस मिले हैं और 3 मोबाइल फोन मिले हैं।
इन्होंने ये जो पिकअप भराई में लूटा था पिछले महीना, 1 लाख रुपए में इन्होंने उसे जितेंद्र कुमार नाम के एक व्यक्ति को दे दिया था, और वो व्यक्ति भी पहले जेल जा चुका है, और मवेशियों के व्यापार के अवैध धंधे में उस पिकअप को ये इस्तेमाल करता था। मोबाइल फोन भी इसने 2000 रुपए का बेचा था, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया। उधर मधेपुरा जिला के उदा किशुनगंज अनुमंडल क्षेत्र के चौसा थाना क्षेत्र से खबर आई है, जहां 17 अप्रैल को एक नाबालिग लड़की गायब हो गई थी, जिसका अब तक पता नहीं चल सका है। इस घटना से परेशान परिजनों के द्वारा पीएमसीएम से लेकर स्थानीय थानेदार और एसपी तक बेटी के सकुशल वापसी का गुहार लगाया जा चुका है, लेकिन इस मामले में अब तक कार्रवाई नहीं हो सकी है। पिता आज भी दर दर भटकने को मजबूर है। बेटी सुरक्षित है या नहीं, यह लाचार पिता को और माता को चिंता सता रही है। परिजन भी लगातार परेशान होते जा रहे हैं। न्याय खोजने आए, मेरी बेटी अपहरण हो गई है, कोई लापता नहीं मिल रहे हैं उसका। डन डन के भरक रहे हैं। एसपी साहब को भी आवेदन दिए और एसपी साहब को भी आवेदन दिए, कोई सुनवाई कार्रवाई नहीं हो रहा मेरा। इधर मधेपुरा सदर थाना क्षेत्र के वार्ड संख्या 4 में टीपी कॉलेज के खेल मैदान के पास बिजली के तार के चपेट में आने से एक बच्चे की मौत हो गई। घटना के संबंध में बताया जाता है कि सुबह पास के ही बस्ती के कुछ बच्चे मैदान में खेल रहे थे, इसी दौरान एक बच्चा मैदान के बगल में बिजली के गिरे हुए तार की चपेट में आ गया, जिसके वजह से करंट की चपेट में आने से उस बच्चे की वहीं पर मौत हो गई। बंदरा प्रखंड के रतवारा में बरसात की वजह से जलजमाव से लोगों में परेशानी बढ़ गई है। बताया जाता है कि रतवारा पंचायत के कई वार्डों में जलजमाव की वजह से लोगों का घरों से निकलना मुश्किल है। कई बस्ती जलजमाव की वजह से बाढ़ जैसे हालात को झेल रहे हैं। लोगों को सड़क पर भी निकलना मुश्किल है, यातायात बाधित है। इस मामले को लेकर पीड़ित एवं प्रभावित बस्ती के लोगों ने स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं अधिकारियों से कार्रवाई की गुहार लगाई है। इधर सहगल फाउंडेशन के द्वारा राशन वितरण कार्यक्रम किया गया। समस्तीपुर जिला के कल्याणपुर एवं समस्तीपुर ब्लॉक के 10 गांव में कोविड राहत कार्यक्रम के तहत यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इधर समस्तीपुर से खबर आ रही है, जहां मुसरी घरारी थाना क्षेत्र में पूर्व मुखिया हत्याकांड में समस्तीपुर की पुलिस ने कार्रवाई की है। इसे हत्याकांड के मामले में कई अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे पूछताछ की कार्रवाई शुरू की गई है। पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा किया है। मुसरी घरारी थाना क्षेत्र के बखरी बुजुर्ग में पूर्व मुखिया को पहले से घात लगाए अपराध कर्मियों के द्वारा ताबड़तोड़ गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना के 6 दिन बाद पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा किया है। इस मामले में आवश्यक कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की गई है। उसको भी गिरफ्तार किया गया है, साथ ही उसके लिए निशानदेही पर जो शूटर है अपना हथियार छुपा कर भागे हैं, वो हथियार बरामद कर लिया गया है शीघ्र ही, और उसमें दो शूटर उसकी भी गिरफ्तारी कर ली। कुल कितने इसमें अपराधी थे? 4 नामजद किए गए हैं अपराधी। इसके अलावा इसमें से और भी घटना के पीछे पैरवादी शामिल है, उनको चिन्हित कर लिया गया है। तो इसमें और जो फैसिलिटेटर थे, हथियार उपलब्ध कराए थे, गोली जहाँ से प्राप्त किए थे, हथियार प्राप्त किए थे, उन स्रोत पर भी कार्रवाई चल रही है और उनकी भी गिरफ्तारी। इधर बंदरा प्रखंड के पीरापुर पंचायत में जनप्रतिनिधियों के साथ बंदरा के बीडीओ प्रशांत कुमार ने आवश्यक बैठक की। इस दौरान उन्होंने पंचायत में विकास कार्यों एवं योजना कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारी ली, जनप्रतिनिधियों से भी बातचीत की। सभी वार्ड सदस्यों की यहां उपस्थिति देखी गई। बीडीओ प्रशांत कुमार ने बताया कि पीरापुर पंचायत में साल 2014 के बाद से कन्या विवाह योजना का लाभ लोगों को नहीं मिल सका है। पंचायत के मुखिया एवं वार्ड सदस्यों को मिलने वाली यात्रा भत्ता राशि की शुरुआती 2 साल के बाद से भुगतान नहीं हो सका है। इस मामले को लेकर प्रखंड स्तरीय कार्रवाई की जाएगी। वहीं कई वार्डों में नल जल योजना में गड़बड़ी की आंशिक शिकायत आई है, इस पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री परिवहन योजना के तहत भी आवेदन लिए गए हैं। उधर पीरापुर पंचायत में कई महीने से आरटीपीएस काउंटर बंद रहने की शिकायत थी। बीडीओ ने इस पर कार्रवाई की है, आरटीपीएस काउंटर को लगातार खोलने का निर्देश दिया गया है। इधर कल्याणपुर प्रखंड के जटमलपुर चौक पर बाढ़ एवं वर्षा से किसानों की फसल क्षति, नाबिकों का पूर्व का बकाया भुगतान, बाढ़ राहत समेत कई मांगों को लेकर एक सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान नाराज लोगों के द्वारा मुख्यमंत्री का पुतला दहन कार्यक्रम भी किया गया। बंदरा में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय के द्वारा प्रखंड के मध्य विद्यालय बंदरा में प्रखंड स्तरीय शिक्षक नियोजन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें शिक्षक नियोजन काउंसलिंग में सुंदरपुर रतवारा एवं सिमराचक श्रीकंठ पंचायत के स्कूलों के लिए 5 अभ्यर्थियों का चयन किया गया।
प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने बताया कि सुंदरपुर रतवारा पंचायत में 3 तथा सिमराचक श्रीकंठ पंचायत में 2 शिक्षक चयनित किए गए हैं। बंदरा प्रखंड के मुन्नी बैंगड़ी एवं हत्था पंचायत के वैक्सीनेशन सेंटर पर ग्रामीणों के द्वारा जबरदस्त हंगामा किया गया, बवाल काटे गए। खबर मिल रही है कि सकरी मन एपीएससी में कोरोना वायरस वैक्सीनेशन को लेकर कैंप का आयोजन किया गया था, जहां 100 से ज्यादा लोग बैरंग वापस लौट गए, जिसके वजह से लोगों में नाराजगी थी। लोगों ने यहां जमकर बवाल काटा। लोगों का बताना था कि पहले कागज जमा करने के बावजूद उन लोगों को वैक्सीन नहीं दिए गए। वहीं वैक्सीनेशन के लिए जमा कराए गए कागजातों को एक ग्रामीण के द्वारा फेंक दिया गया, जिसके वजह से लोग यहां नाराज हो गए। इसी तरीके का शिकायत हत्था पंचायत के वैक्सीनेशन सेंटर से भी सामने आया। यहां भी 100 से ज्यादा लोग बैरंग लौट गए, जिन्हें वैक्सीन आज नहीं लग सका। यहां नाराज लोगों का आरोप था कि पिछले सप्ताह ही वैक्सीनेशन सेंटर पर उन्होंने कागज जमा कराया था, एक सप्ताह बाद भी उन लोगों को वैक्सीन नहीं दिया गया, जबकि बाद में आने वाले लोगों को वैक्सीन दे दिया गया। इस वजह से यहां लोगों में नाराजगी थी। बंदरा पीएससी के चिकित्सा पदाधिकारी ने बताया कि दोनों मामले की जांच की जाएगी, आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। बंदरा प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों में बाढ़ बरसात को लेकर उत्पन्न समस्याओं के मद्देनजर बंदरा के अंचल अधिकारी ज्योति लता ने गंभीरता दिखाई है। सीओ ज्योति लता ने बताया है कि बाढ़ बरसात के मद्देनजर संबंधित नदी प्रोजेक्ट के इंजीनियर को अलर्ट कर दिया गया है। उन्हें बांध पर लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। रेनकट के मद्देनजर गंभीरता बढ़ती जा रही है। नदी के जलस्तर पर भी नजर रखी जा रही है। इस बीच बरसात की वजह से प्रखंड क्षेत्र के कई पंचायतों में जलजमाव से भारी तबाही जैसी खबर मिल रही है। टेपरी पंचायत समेत विभिन्न पंचायतों से ऐसी शिकायत मिली है। स्थानीय मुखिया, पंचायत समिति सदस्य एवं सरपंच को समस्याओं के स्थानीय स्तर पर त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। इस तरीके से बरगांव पंचायत में भी स्थानीय जनप्रतिनिधि को निर्देशित किया गया है। जलजमाव वाले क्षेत्रों में जलजनित बीमारी तथा महामारी जैसी स्थिति उत्पन्न होने की आशंका है, लिहाजा ऐसे जगहों पर ब्लीचिंग पाउडर छिड़काव के लिए भी उन्होंने उपलब्ध कराया है और जनप्रतिनिधियों को सहयोग करने का निर्देश दिया है।